हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर परिणीता ठाकुर, कंसल्टेंट साईं बाबा नर्सिंग होम। आज मैं आपको डिसमेनोरिया के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। डिसमेनोरिया क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसका उपचार क्या है। डिसमेनोरिया का मतलब ये होता है कि महावारी के दौरान जो दर्द होता है, हम उसको डिसमेनोरिया कहते हैं। आमतौर पर सभी महिलाएँ इस दर्द को अनुभव करती हैं, बट कभी कभी जब ये दर्द बहुत अधिक मात्रा में होने लगे और हमारे दैनिक क्रियाकलापों को अफेक्ट करने लगे, तब हमें इसके लिए डॉक्टरी परामर्श की और इलाज की ज़रूरत होती है। नॉर्मली ये जो दर्द होता है डिस्मेनोरिया का, तीखा हो सकता है या फिर रुक रुक करके पेट के निचले हिस्से में या पीठ के निचले हिस्से में हो सकता है। डिस्मेनोरिया के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है, मोस्टली ये टीन एजर्स गर्ल्स को होता है और नॉर्मली जब भी हमको फर्स्ट टाइम मेंसेस स्टार्ट होता है, उसके 2 से 3 साल के बाद जब भी कोई पेन स्टार्ट हो, तो वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में नॉर्मली ये होता है कि जब भी मेंसेस हमको आता है, महावारी हमको होती है, तो उसके उसके एक दिन पहले से या महीना के दौरान ही, महावारी के दौरान ही हमको महावारी के साथ पेन होता। महावारी जैसे हमारी ख़त्म हो जाती है, उसके साथ ये पेन भी समाप्त हो जाता है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, या फिर शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, उसके बाद ये जो है प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। नॉर्मली ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता क्यों है, ये इस वजह से होता है जब भी हमको मेंसेस आते हैं तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्शन के कारण प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होते हैं, वो रिलीज होते हैं। जैसे ही बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का लेवल बढ़ता है, तो फिर उसकी वजह से क्रैम्प लाइक पेन होता है। और जैसे जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बॉडी में हमारे कम होता है, तो ये जो पेन है क्रैम्प लाइक, वो भी ठीक हो जाते हैं। नॉर्मली इसमें हम सिंपल से जो पेन किलर वगैरह हैं ले सकते हैं, या जो हॉट पैड का यूज़ कर सकते हैं पेन कम करने के लिए। दूसरा टाइप जो है डिस्मेनोरिया का, वो है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हमेशा जो है पेल्विक पैथोलॉजी से, या यूट्रस में कोई पैथोलॉजी है, उससे एसोसिएटेड होती है। मोस्टली सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का कारण एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, फाइब्रॉइड यूट्रस हो सकता है, IUCD हो सकता है, या फिर कोई PID यानी कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन, या फिर सर्विक्स में इन्फेक्शन, या फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन। नॉर्मली ये जब भी हमको मेंसेस फर्स्ट टाइम स्टार्ट होते हैं, उसके 5 से 6 साल के बाद स्टार्ट होता है, और इसमें बहुत अत्यधिक दर्द होता है। जब भी हमको मेंसेस आने वाले होते हैं, उसके 3 या 4 दिन पहले से ये दर्द स्टार्ट होता है, महीने के दौरान भी रहता है, और महीना जब हमारा महावारी जब हमारी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद भी ये दर्द बना रहता है। कभी कभी किन्हीं किन्हीं महिलाओं को पूरे महीने में डल एक पेन लोअर एब्डोमेन में बना रहता है। कभी कभी ये इतना दर्द असहनीय हो जाता है कि हम जो नॉर्मल रूटीन के काम है वो भी नहीं कर पाते हैं। जब भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो डिस्मेनोरिया की जिसमें बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रहा हो, तो आपको डॉक्टरी परामर्श लेना होता है, क्योंकि ये बाद में हमको इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। तो इसका जो समय रहते हैं हम उपचार कराएं, तो बहुत सारी परेशानियों से हम बच सकते हैं। अब डिस्मेनोरिया के लक्षण क्या है, डिस्मेनोरिया में मोस्टली पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होगा, जांघों के भीतरी हिस्सों में दर्द हो सकता है। इसके साथ साथ हमको उल्टी हो सकती है, मतली आ सकती है, कब्ज हो सकता है, या लूज मोशन भी हो सकता है, हेड सर दर्द की प्रॉब्लम भी हो सकती है हमको। इसका निदान या इसको कैसे पता करें हम, जैसे हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड के कारण होता है, उसको हम सोनोग्राफी के द्वारा, MRI के द्वारा, या CT स्कैन के द्वारा, या पेल्विक एग्जामिनेशन के द्वारा हम पता कर सकते हैं। कभी कभी हमें लेप्रोस्कोपी के द्वारा भी डायग्नोसिस बनानी पड़ती है। अब इसका उपचार कैसे किया जाता है डिस्मेनोरिया का, डिस्मेनोरिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसे कि हम नियमित रूप से व्यायाम करें, इसमें स्ट्रेस ना लें, ज़्यादा तेलीय पदार्थों का सेवन ना करें, कैफीन युक्त भोजन है वो ना लें, शुगर अवॉइड करें, नमक अवॉइड करें, या चाय का सेवन कम करें। साथ में इसमें हमें जैसा ये है कि जब भी हमको मेंसेस स्टार्ट होते हैं, या जब भी महावारी के दौरान हम गर्म पानी से स्नान करें, तो भी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन के कारण पेन कम होता है। हॉट पैड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है जैसे मेडिसिन में हम एनसेट्स यूज़ कर सकते हैं। एनसेट्स जो है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को कम करता है।
लेकिन जिनको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो या फिर कोई ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, ब्लीडिंग डायस्थेसिस की प्रॉब्लम हो, तो उनमें हमको एनसेड्स यूज़ नहीं करना है। तीसरी चीज़ में हम यूज़ करना, तीसरी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है गर्भ निरोधक गोलियां, बर्थ कंट्रोल पिल्स। इसमें नॉर्मली इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन होता है जो पेन की इंटेंसिटी को कम करता है। इसको हम 3 से 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। हमने यदि ये मेडिकल ट्रीटमेंट से डिस्मिनोरिया ठीक नहीं होता है तो हमें कारण जानना पड़ता है। कारण जानने के लिए हमें ऑपरेटिव प्रोसीजर की ओर भी जाना पड़ सकता है। ऑपरेटिव प्रोसीजर में हम जैसे लेप्रोस्कोपी है या फिर हिस्टेक्टॉमी, यदि फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है तो हिस्टेक्टॉमी भी करना पड़ सकता है यदि फैमिली आपकी कॉम्प्लिकेटेड है तो। यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस के कारण डिस्मिनोरिया है या महामारी के दौरान अत्यधिक दर्द है तो डॉक्टरी परामर्श और इलाज करवाना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी का प्रमुख कारण है। यदि आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, डिस्मिनोरिया के दौरान अनकंफर्टेबल फील होता है या पेन होता है, तो आपको डॉक्टरी परामर्श ले लेना चाहिए। और मैं आप लोगों से एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगी कि क्या महिलाएं जो होती हैं वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देती हैं। जैसे कभी उनको महीने में पेन हो तो भी वो एक सिंपल पेन किलर के लेकर के रह जाती हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी ये छोटी चीज़ें गंभीर बीमारियों का कारण भी होती हैं, इसलिए उन्हें समय रहते डॉक्टरी परामर्श और इलाज करवाना चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए। तो समय रहते आप अपनी सेहत पे ध्यान दें, नियमित रूप से डॉक्टरी चेकअप करवाते रहें। थैंक यू।